हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके पिजन्स वर्ल्ड। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बहुत टाइम से वीडियो जो थी आपकी डिमांड थी कि लॉफ्ट का विज़िट कराएं अपने लॉफ्ट में। आज मैं बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ तो मैंने मास्क पहन लिया, थोड़ा सा सफाई नहीं की है आज दो तीन दिन हो गए सफाई करने को। हफ्ते में दो से तीन बार मैं सफाई करता हूँ लॉफ्ट की। ये देखिए यहाँ पे पिजन्स जो हैं, ये इस तरफ के बॉक्सेस लगे हुए हैं यहाँ पे। ये पिजन्स अभी सभी बाहर हैं, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ अंदर का, इस साइड बॉक्सेस जो लगे हुए हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक पेयर था, उसका जो मेल था वो मर गया था। अब वो मैंने दिखा दी थी वीडियो में आपको, तो उसके नीचे जो बच्चा था वो बड़ा हो गया, फाइनली वो नीचे आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। लास्ट मंथ में अच्छी ब्रीडिंग नहीं हुई। यहाँ पे जो पेयर था वो सेल हो गया। जो यहाँ पे पेयर था मेरा, उसने यहाँ पे अंडे दिए हुए, ये देखें यहाँ पे अंडा भी अभी ताज़ा हैच हुआ। देखें गुस्सा, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें एक बच्चा हैच हो गया, ये देखें जी, ये देखें एक बच्चा अभी हैच हुआ। इसके बाद ये कुछ नए मैंने फ्लैट लाए थे, ये अपने घर का जो बच्चा निकला था ये यहाँ पे था। ये देखें ये अब बड़ा हो गया, अमेरिकन फैन टेल है। ये देखें टेल का साइज़ देखिए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पे है मेरा रेड शिराजी के दो अंडे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिए कैपुचिन है, और कैपुचिन यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये। इसका जो है अंडा, एक अंडा इसके नीचे यहाँ पे, उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मेरा अमेरिकन फैंटेल और इसके दो अंडे, देखिए बहुत अच्छा पेयर ला मेरा अमेरिकन फैंटेन। यहाँ पे एक और नेस्ट तैयार है, एक्चुअली ये अभी अंडा ले करने वाले हैं और ये अभी बाहर है क्योंकि इनका भी दाना पानी का टाइम हो गया है। यहाँ पे भी मेरे बच्चे चिक बड़े हो गए, सेल भी हो गए। तो यहाँ उसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ पे मेरा जो यहाँ आप चिक्स देख सकते हैं मेरे, ये देखिए ये चिक जो है ये रेड है, देखिए रेड कलर में आया हुआ है, ये रेड कलर में पर्पल नहीं है। और इसके साथ में दिखा देता हूँ मैं, इसके साथ में अगर देखेंगे आप तो येलो कलर का पर्पल है, येलो देख सकते हैं आप, ये है। तो उसके बाद मेरे कुछ पेयर्स ने, इस तरफ ट्राई किया था कि कुछ पेयर लगाऊं, लेकिन पेयर थे नहीं। अभी पेयर सभी अंदर वाली साइड लगे थे। यहाँ पे मेरे पास फैंटेल का एक पेयर है, ये देखें इसके भी दो अंडे हैं। यहाँ पे यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखें ये मेरा फैंटेल है, ये देखिए दो अंडे में इसके, और इस साइड से लगाए हुए हैं। तो और अभी पिजन्स अभी बाहर हैं, देखिए थोड़े शो करा देता हूँ जो पिजन्स मेरे अभी बाहर हैं। अभी कुछ पेयर्स नए जोड़े लगाने अभी रेडी हैं, कुछ पेयर्स जिनको पेयरिंग करनी है, ये देख सकते हैं सभी पिजन्स। ये देखिए इनके इंशाल्लाह चिक्स आपको मिल जाएंगे, जो चिक्स लेना चाहता है चिक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से अपने पेयर से। सभी अच्छी क्वालिटी के रखे हैं, आज कम पिजन से थोड़े से सेल हो गए लास्ट मंथ में उतनी अच्छी ब्रीडिंग नहीं होती है, बरसात में ज़्यादा ब्रीडिंग होती नहीं है।
तो अब देखिए ब्रीडिंग जो अच्छी हो रही, ब्रीडिंग एग्स आना स्टार्ट हो गए, चिक्स हैच होना स्टार्ट हो गए हैं। वो देखिए, ये देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए चिक अब हैच हुआ था, ये देखिए ये इसे फीडिंग करवा रही है। वो देखिए ये देखिए वो छोटा चिक, देखिए कितना, ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप। तो ये रही आज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस थोड़ी सी, कुछ दिन के बाद और दिखाऊंगा जब सभी पेयर्स लग जाएंगे, एग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, चिक्स निकलेंगे। उसके बाद मैं कुछ 10-15 दिन के बाद आपको ब्रीडिंग दिखा दूंगा जब सभी चिक्स बाहर आ जाएंगे। तो फिलहाल की ये था, ये मेरे इस साइड के सभी ब्रीडिंग बॉक्सेस लगे हुए हैं। अब इसको फिल करेंगे जल्दी से, कुछ नई ब्रीड्स ऐड करके कुछ नए पेयर्स लगाने, तो ये सभी फुल हो जाएगा। तो ये मेरे नए फ्लायर्स जो थे वो फाइनली शिफ्ट कर दिए मैंने, तो इनके भी जोड़े लगाने, तो कुछ दिन के बाद लगाएंगे। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, तो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और ऐसे सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें हमारे चैनल को। थैंक यू।